योग गुरु और पतंजलि के सुपर ब्रांड बाबा रामदेव को पत्रकारों की यूनियन बाबा रामदेव से लाला रामदेव बनाकर पानीपत के जीटी रोड से तख्तियां लेकर गुजरी तो आने जाने वाले लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। ये क्या आज बाबा का नंबर लगा दिया। लाला रामदेव की इसलिए भर्त्सना की गई कि उन्होंने पिछले हफ्ते करनाल में पत्रकार वार्ता में सवालों के जवाब हल्के में और अपनी ऐंठ दिखाकर दिए। इसे पत्रकारों ने दुर्व्यवहार माना। पहले करनाल में, अब मंगलवार को पानीपत में हरियाणा पत्रकार यूनियन के बैनर तले बाबा का पुतला घुमाया गया। जिला सचिवालय पर जाकर पत्रकारों ने खूब नारेबाजी की और फिर पुतले का दहन। दरअसल प्रदर्शनकारी रामदेव का पुतला बनाकर और दहन करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। माफी मांगो, नहीं तो और जगह भी पुतले दहन किए जाएंगे। मैंने बाबा से सिर्फ यही पूछा कि बाबा जी, आपने कहा था आपकी पेट्रोल 40 रुपए में मिलेगा, रसोई गैस 300 रुपए में मिलेगी, वो वाली सरकार बाबा ने सीधा छूट देगा। मैंने कहा था पूछ पाड़ दे मेरी, लेकिन आज पानीपत के पत्रकारों ने मेरा साथ दिया, पूंछ भी पाड़ ली। लाला हो गया रामदेव, रामदेव नहीं रहा है। जो लोगों को नुका आग रहा था बीजेपी सस्ता पेट्रोल डीजल देगी, आज हालात देख लो, डीजल और पेट्रोल का भी कहां पहुंच गया। हर चीज में महंगाई हो रही थी, बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता, सीमेंट इतनी तेज, जबकि मेटेरियल के कोई रेट नहीं बढ़े कच्चे के, तो बिजली के रेट नहीं बढ़े, मजदूर की लेबर नहीं बढ़ी है, इनके रेट बढ़ते जा लग रहे, ये तो कमाई का धंधा कर रहे हैं। जिला सचिवालय पहुंचकर डिप्टी कमिश्नर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बाबा से माफी मांगने को कहा गया है, नहीं तो बाबा की जगह लाला रामदेव और उनका बहिष्कार करने की चेतावनी। बाबा रामदेव की ख्याति बेशक देश विदेश में हो, पर ऐसा भी पहली बार हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।